हाथ तेरी। आजा आजा डार्लिंग, आजा आई लव यू, आजा जानिमन गुलबदन गुलबहार, आजा बहू में आजा आजा, बहुत दिनों में आई है तू तो बदन गुलबहार, आजा। किसे बुला रहे बाहों में? मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का पता। अरे मैं तो तुझे ही बुला रहा था यार। अमर जानू मैं सब, चाय पी लो और चक्की पर नाच रखी आओ। तेल की तलक दिमाग खराब ना करे, मुझे काम मा मत बता दिया, मैं थका पड़ा हूँ। मैं अगर जमीन में पांव धरूं तो ऐसा लगे ना पांव टूट जाएंगे मेरे, मेरे पे चलन जा बिल्कुल भी। किसे बुलाऊं? कहाँ जा रहे हो? चक्की पर नाच तो रखी आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम भी क्या सपना पड़गा? लगता है आज सपना भी पूरा हो जाएगा। भाभी जी मुझे आपने याद करा? पर मैंने तो मन में याद किया था। भाभी जी मैं आपके मन को और तन को मन से ही पढ़ लेता हूँ। जी मेरा मतलब कोई काम था क्या भाभी जी? हाँ हाँ, तुम्हारे भैया एक घंटा हो गया दूध लेने गए थे, अभी तक आए नहीं है। अरे मैंने तो सोचा कि ना आए तो ठीक ही है। क्या क्या मतलब भाभी जी? वो रंगीन किस्म का आदमी है, कहीं ना कहीं चक्का बिगड़ा रहा होगा। हाँ सब तेरे तरह जान थोड़ी ना है, सुबह सुबह आँख खुलने की देर नहीं होती, दूसरे के भैया में छेड़ लगे। अरे आ गया भी तू और आता ना, ना। मेरा मतलब ठीक कर यार तू आ गया भाई, क्योंकि भाभी जी बड़ी परेशान थी और थोड़ी देर तू आता तो रोने वाली थी, एक अंधा विचार था। बहुत कंधे दे रहा आजकल, मेरा भाभी को कंधा दे ले। अब एक काम करो भाई, तुम चाय बना के पियो, मैं भी चलूं। भाभी जी हाँ सुबह सुबह लिपस्टिक काजल लगा के सेट है रही है, क्या बात करी थी इससे? अजी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं पता ना तुझे, कितना ठाड़ जा रहे हो। चल चाय बना अंदर चल। पता ना कहाँ रहे, सेट के चक्कर में दिख गया थे। सुनो जी मिठाई ला दो, मुझे प्रसाद चढ़ाना बर्त है मेरा आज। घर में गुड़ धरिया उसी प्रसाद समझ के चढ़ा दे। ज्ञान देने को ना कहिए, चुपचाप जाकर मिठाई ले आओ। जादू कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने तेरे से ब्याह करा, दो मिनट भी चैन से नहीं बैठने दे यार। चले जाओ जाओ जल्दी। चले जाओ यार जल्दी, बूढ़ी सी शकल की तुम्हारी बहुत अच्छी है ना, बिन्नी शकल की। ए भाई तेरे तक कितनी बार कह लिया उस राजू तो दूर रहकर, पर तेरी समझ में नहीं आ रही भाई। आप तो फालतू में ही राजू भाई साहब को गलत समझते हो, तुम्हें पता है वो कितने अच्छे इंसान है, हमारे कितना काम आते हैं। जो इंसान अपनी बहू के काम नहीं आता हो, सोच वो तेरा क्या काम आएगा भाई। आपको कैसे पता हो मेघा दीदी के काम नहीं आते? अरे सारा काम मैंने कर गया उसका। अच्छा जी, खुद की गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो। वाह अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कान खोल के सुन ले, उससे जितना दूर रहा था ना उतना दूर रही हो। कुछ काम धाम ना आया था मैं, हर वक्त तो ठाली पड़े रहो और पूरा दिन दिमाग में ऐसी बात आती रहे। हर टाइम काम का टेंशन देती रहे, आज काम ही देखूं काम होता क्या। पहलवान यहाँ क्या सुन रहा, अंदर आ जाना भीतर को, आ जाना भैया। अरे अंदर बकवास तो करे मत ना, मैं तेरी बात ना सुन रहा, मैं नहीं देख रहा हूँ तेरा गेट कितना मजबूत है। दरवाजे में बहुत झांक है तो तेरे किसी दावड़ चेक कर दूंगा। अरे मान जा, मैंने तेरे जैसे कितनों का नाश कर रखा, टायर पायर के फेंक रखे। जा चला जा, जा इस काम से आया जा। ताले तुझे कभी फिर फुर्सत में देखूंगा मैं। जा चला जा, तू देखेगा फुर्सत में, यू तो जा रही है। आपसे कितने दिन हो गए कहते कहते कि मुझे कुंडल ला दो, ये छोटे छोटे पहन रखे, मुझे कानों के लिए बड़े कुंडल चाहिए। मेरे पे ना एक पैसा भी, मैं तेरी डिमांड से तंग आ लिया, कभी ये लिया कभी वो लिया, कभी यू और कभी वो, क्या करूं मैं तेरे लिए, मेरे पे एक रुपया नहीं। ऐसा करो ये मुट्ठी ले जाओ, अरे इसे दे दियो कुछ पैसे दे दियो और कुंडल ले आइयो। ठीक है राहुल, राहुल 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 जी, राहुल दिखाई दे रहा। हाँ मैं तो उसे 24 घंटे अपने नाड़े के बांध के रखू, मुझे ना पता कहाँ गया, वो गया कहीं धक्के खाने। क्या भाभी जी बहुत गर्म हो रही हैं आप। अरे भाई साहब आप ही बताओ, गर्म ना हो तो और क्या करूँ, एक गले की चैन बनवाने कही थी उससे, आज तक तो उस पर बनी ना।
भाभी जी आप परेशान मत हो। अरे अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? मैं नाप ले रहा हूँ भाई जी। क्या मतलब? मेरा मतलब मैंने आपके गले का नाप ले लिया। पहलवान मैं मंगाऊँ आपके। भाभी से मिली चलूं। आप बैठो मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अरे चाय भाई रहने दो भाभी, शुगर हो जाएगी। क्यों? अरे एक तो चाय मिठी, ऊपर तो तुम्हारे हाथों से बनेगी, तो इतनी मिठास मैं कैसे झेल पाऊंगा भाभी। अरे भाई साहब आप भी। हाँ वैसे वो निशा दीदी मुझसे कह रही थी आप काम वाम तो कुछ करते ना हो, निठल्ले पड़े रहो, कुछ काम वाम कर लिया करो। अरे भाभी मेरे लेवल की नौकरी मिल नहीं रही ना, वैकेंसी नहीं निकल रही। तो आपका लेवल क्या है भाभी? कोई डीएम एसडीएम की वैकेंसी निकले तो मैं भर्ती भी हूँ। कहाँ ये चपड़े से पपड़े सी नौकरी मैं कहाँ करूँगा। ऐसा करो भाई साहब अब आप बैठ ही जाओ, मैं चाय बना के ले आऊँ। ठीक है भाभी, जब आप ज्यादा इतना कर ही रहे हैं। क्या बोलता है जाने या सुने। अरे रोहित भाई मैं दुकान पर न गया, मैं सीधा ही आ गया। अच्छा एक काम था। बताओ। ये देखो गुठी। अरे अंगूठी तो मेरे हाथ की बनी हुई है। हाँ। और इसके बदले में ना मुझे चैन चाहिए। अच्छा चैन? हाँ। चैन तो दुकान पे आना, वहीं मिलेगी आपको। भैया मैं बहुत जल्दी में हूँ, दुकान यहीं देख लो कहीं। चलो एक कस्टमर की पड़ी हुई है। अच्छा दो भाई साहब दिखाओ। हाँ ये तो बहुत बेहतरीन है भाई साहब। अच्छा कितने पैसे डल जाएंगे अंगूठी डाल के? 3,000 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं रोहित भाई, मैं पूछवा दूंगा। ना इसकी जरूरत नहीं, ये बगैर डब्बे के ही ठीक है। अच्छा रोहित भाई धन्यवाद है, नमस्कार। अरे यार जीवन खराब है हमारा तो, घर वाले को समझती नहीं और यू भाभी यू कुछ रिस्पांस नहीं दे रही, करे तो क्या करे यार। अरे चिमटा इसे बेच के तो 50 ग्राम मूंगफली नहीं आने की, क्या करूं यार जीवन खराब है हमारा तो। ये बन गई हमारी बंदूक, अब इससे लूटा जा सकता किसी को भी। रोग जो भी तेरे पास सब निकल। ये है AK-47, इसे रखूंगा यहाँ और माथा उड़ा दूंगा। ये बहन जी निकालो, क्या है तुम्हारे पास? ये चैन मैंने, ये गाउंट हुई और ये घड़ी भी मुझे दे दो। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, पैसे की दिक्कत है, पैसे निकालो। जो भी तुम्हारे पास सब माल निकालो। भैया आप लग तो बड़े शरीफ घर के रहे हो। मेरे माथे पर करा मैं शरीफ? जो तन्ने पहन रखा ये कान नाक का सब निकाल निकाल। लगता है लुगाई का सताया हुआ है। सताया तो मैं लुगाई गई हूँ, पर वो हमारे घर का मामला है, उससे क्या ले है तू? और तो भाभी को चैन दूँगा, खुश हो जाएगी खुश, और चुम्मा भी दे देगी, चुम्मा भी मिल सके। अगर चुम्मा मिल गया ना तो बहुत मीठा चुम्मा होएगा यार, मेरे वाली घर वाली का तो कड़वा चुम्मा लगे मुझे। पर उसे मैं बताऊंगा कैसे, की करूं आइडिया। Oh, my God.
पहलवान। साला किसने फोड़ दिया, बढ़िया तेरा तोड़ा दिखे। चलो मिलू। यार तुझे किसने पेल दिया? मुझे कौन पेलता, वो सांड पोखर पे टक्कर मार दी मेरा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे तेरी दही तोड़ी है। पिटके तो मुझे ऐसा लगा तू आया देखा कहीं। अरे हाँ मैं क्यों पिटता, वो तो बस निकट गई ही और भैया हवा के झोंके से मेरे लत्ते पट गए। और के साले मैं तो सोच ही रहा था तू पिटे, पर मैं तो नहीं सोच रहा तू मुझे, मैं ही पिटू तुझे। पर तेरा सुसरा नहीं करा, सांड ने मारा। साले सांड ने मारा तेरी दही तोड़ी। पर यार मेरी समझ में एक बात नहीं आई, इतनी बुद्धि पकड़ के कल संडे को इतनी सुंदर भाभी मिली कैसे? अच्छा तो तुमने आज भी काम नहीं करा? अरे इतनी चोट लगने के बाद तुझे काम क्या? सही हुआ जिसने तुम्हें मारा, वो मेरा सुख चिंता की होगा। बस बस रहने दो, अगर तुम्हें पता होता ना आज मेरी जिंदगी ऐसे खराब ना हो रही होती। ज्यादा फालतू बोल रही ना, चप्पल मांग खींच के। हाँ हाँ तो तुम और कर भी जा सकते हो, यही तो तुम्हें आता है। चुबा लड़ाती है। अरे भाई बहुत धोया सालों ने, बहुत चिट्टा रे, दही तोड़ के गिर दी रे मेरी तो। मैं तो बेकार हो गया पड़ा भैया, मैं बेकार। क्या हो गई, चोट कैसे लगी? अरे बस बुझे मत ना। मत बताओ। मेरा मतलब बुझ ले के हुआ। हाँ तो बताओ क्या हुआ। अरे हुआ के, अरे के बताऊं, जैसे मैं सुनार की दुकान में गया, मैंने तेरे इतने मोटे मोटे कुंडल पे ले लिए और पैक करवा लिए। खाओ दिखाओ कहाँ है। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर जैसे ही मैं लेके चला, मेरे पीछे दो आदमी लगे मोटरसाइकिल पे और उन्होंने रास्ते में मुझे पकड़ा और मुझे दे रैपटे मेरे यहाँ मारा, मेरे सिर में गुट गुट मारे और मेरे मुंह पे भी मार रखे गुट। न्यू बताओ कुंडल तो ठीक है ना? कुंडल ही तो छीन के ले गए वे। इस आदमी को ले जाते, कुंडल तो छोड़ जाते। ये तो आदमी है ही ना किसी काम का, वो तो दे 2-4 हजार के। साली बकवाद कर रही है, है? मैं इतना कुट्टा पड़ा हूँ, अपने कुंडल लो रही है, क्या जाकर रोटी लिया, भूख लग रही। मैंने आज तक तुमसे जो भी चीज मांगी है ना, तुमने मुझे कभी ना ला के दी। तुम ऐसे एक एक करके मेरे सारे गहने बेच के आए, नुकसान कर गया है। अभी ना गैस ले दे दो बना के यहाँ। अरे क्या हुआ भाभी जी, क्यों रो रहे हो? जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते रहते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे भाभी जी तुम्हें नहीं है पता वो कितना अच्छी छोरा आदमी है, जब घर में घुसा था ना कपड़े फट रहे थे उसके। हाँ हाँ इसी बात पे तो लड़ाई हुई थी। हाँ और तुम्हें बोला होगा सांड ने मारा। नहीं नहीं वो तो ये कह रहे थे सुपरवाइजर से लड़ाई हो गई। अरे भाभी जी मेरी आंखों देखी बात है, उन्हें किस चौथी औरतों को छेड़ दिया, अब ये कट्ठी हो गए 5-7 होगी और उसका जो झाम त्या रहा। भाभी जी मैं देखता रहा, पीटता रहा, क्या करता। हे भगवान मेरे तो कर्म फूट गए, अब तो बस मैं मरूंगी। अरे नहीं भाभी जी, आप ऐसे इंसान के लिए क्यों मर रहे हो? ऐसे इंसान के लिए जिंदा रहो जो आपके लिए दिन रात मरता हो। चैन? हाँ भाभी जी आपके लिए।
ये तो बहुत महंगी होगी। कुछ महंगी नहीं भाभी जी, कुछ महंगी नहीं। आप रखो जाए, आपकी है। आप कितने अच्छे हो भाई साहब। मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। भाभी जी जब भी आपको रोने को मन करे मेरे कंधे को तकिया समझकर और खूब रोना खूब। भाई साहब आप कितने अच्छे हो। हाँ भाभी जी आप भी बहुत अच्छी हैं। भाभी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून सा मिला। अच्छा भाभी मैं चलूँ अबे। हाँ ना ना, जब इतना ही अच्छा लग रहा तो जाए क्यों रहे। हाँ एक कमरा ले लेना, मैं रसोई में रह लूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ? सोच रहा हूँ मैं तो अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाने दे रहा तू क्या गुल खिला रही है, हैं? अरे एक बात बता रहा हूँ, आज के बाद ये दिखाई मत दे, यहीं ठोक दूंगा। हां ले जाने का। और तू भी झाग मत चाहिए, बहुत गेट का नाप लेना है। चल चल मुझे कुछ झाग मत चाहिए। चले मका सुधर जा, तू गुल खिला रही है, तेरी आंखों को फोड़ दूंगा ना। अपनी तो ना दिख रही है कि तुम भी तो रोज उसके घर जाकर बैठो। तन्ने कर देखा हूँ तो बकवास कर रहे हैं। खावन ने चल ले पढ़ लेगा। चल न्यू करे न्यू चले। जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाना, मैं थार काटूंगा यहाँ। मेघा दीदी। अरे निशा दीदी बैठो। तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। जो तुम कान के कुंडलों का जिक्र कर रही थी ना, वो तुम्हारे आदमी ने बेच के मुझे चैन ला के दिए। अच्छा। हाँ मुझसे पता क्या कह रहे थे? क्या? कि चोरों ने छीन ली। ओ निशा दीदी पर तुम्हें भी एक बात बताऊं? हाँ आदमी तुम्हारा भी ठीक ना, शाम सुबह आकर ना मेरे पर लाइन मारा है, अगर ऐसे चलता रहा ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बताऊं, इन आदमियों को ना सुबह शाम नई नई लुगाई चाहिए। तुम इधर आओ, तुम्हें एक बात बताऊंगी। ठीक है अब मैं चलती हूँ। अरे आप आज बड़ी जल्दी आ गए। और क्या, मैं वहाँ सारी जिंदगी खेत में पड़े रहूं? मैंने ऐसा कब कह दी? अभी तक चाय बना के रहा। अच्छा सुनो, वो ना निशा दीदी आई थी, तुम्हें बुला के गई। यूं कह रही थी जैसे खेत सामने ना वैसे भेज दिए। चाय लियो ना, मैं मिल के आऊँ, एक बार कुछ काम होएगा तो मैं मिल के आऊंगा जब चाय पीऊंगा। अरे वैसे तो उसके लिए मैं जेल बनाऊंगा जिससे वो 24 घंटे बंद रहे। अगर वो बाहर रहेगी तो मेरा जीना आराम कर देगी। दिल की बात है कह दूं, किसी से कहवे तो ना। भाभी जी जब से मैंने आपको देखा है दीवाना हो गया हूं मैं। इतनी सुंदर औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप तो बिल्कुल परी हो, दीवाना हो गया हूं मैं। अरे राहुल तुझे नहीं छोड़ू, सिस्टम पारूंगा तेरा, तुझे काय लग नहीं छोड़ू, तुझे नहीं छोड़ूंगा। किस दिन मिल गया कतल कर दूंगा मैं तेरा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब बताओ घर का सारा काम कौन करेगा? बर्तन कौन धोएगा? मेरे कपड़े कौन धोएगा? मेरी आँख खुलने से पहले चाय बना के कौन लाएगा? अरे राजू बिंटक से चार, तन्ने मेरी जिंदगी खराब कर दे, तन्ने मेरी फूल जैसी बहू को चुड़ैल बना लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। छोड़ूंगी तो मैं नहीं तुम्हें। मेरे बॉस सुन लो, अब इस घर का सारा काम ना तुम करोगे, अगर ना करा ना तो ये रिकॉर्डिंग ना पूरे गांव में सुनाई जाएगी और बहुत तुम्हारी जब्त आ जाएगी। मेरी सोचेगी कि राहुल जितने मिल गया लकड़ी बना दूंगा, तने मेरे घर का नाश कर दिया, मेरी इतनी सुंदर बीवी मेरे से खिलाफ कर दी, मैं तुझे ही छोड़ने का भाई। तुम बाद में करियो, बर्तन धो पहले।